वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉट मिक्स प्लांट के बारे में, जो मरीनी का इरेक्शन हुआ है, कंप्लीट हुआ है। आज जो है इसका लोड ट्रायल हो रहा है, इस पर पूरा मिक्स मटेरियल निकलेगा, बैच मिक्स पूरा कम्प्लीट होके जो डामर कॉन्क्रीट मिक्स मटेरियल निकलेगा, और उसका जो ट्रायल होगा जो यहीं पर जो प्लांट के आगे रास्ता है उसी रास्ते पर ट्रायल होगा। और क्लाइंट भी हैं, जब ये ट्रायल में जो यहाँ से पास होगा उसके बाद आगे जो हाईवे पे जाएगा वहाँ पे लेइंग होगा। तो यहाँ पे जो ट्रायल होने के लिए, तो यहाँ से जो मटेरियल है, तो यहाँ पे फीडर है, फीडर में मटेरियल भरा हुआ है, और यहाँ से जो मटेरियल है बेल्ट के माध्यम से ड्रायर में, आगे आपको पूरा दिखाते हैं किस प्रोसेस से होके गुजरता है, और आगे जो डामर मिक्स कॉन्क्रीट निकलेगा उसका लेइंग किस प्रकार से पेवर के माध्यम से होता है वो आपको हम दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे फीडर में देख सकते हैं, तो यहाँ पे डस्ट 10 mm, 20 mm, 40 mm, चार फीडर हैं, तो चारों में भरा हुआ है। और आगे बेल्ट के माध्यम से इसको जो लेके जाया जाएगा ड्रायर में, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मटेरियल फ्लो आता है और किस प्रकार से उसको चार्जिंग होके वो आगे को जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे गैदरिंग बेल्ट है, जो सारे मटेरियल को कलेक्ट करके लेके जाता है, ये नीचे जो चलता है ये गैदरिंग बेल्ट है, और ये फीडर बेल्ट है जिससे मटेरियल का फ्लो आता है और यहाँ से जाता है। और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है कि यहाँ से ओवर साइज मटेरियल फिल्टर होने के बाद यहाँ से आगे जो ये ड्रायर है ड्रायर में जाता है, और यहाँ से जो मटेरियल हीट होगा उसका हीट होने के बाद, गर्म होने के बाद आगे की साइड को जाता है, और वो एलिवेटर से होके टॉप पे जाता है स्क्रीनिंग के लिए। वहाँ से यहाँ से सब मटेरियल एक साथ जाते हैं, वहाँ से जाके स्क्रीनिंग होके डस्ट अलग होता है, 20 अलग होता है, 10 अलग, 40 अलग, जो उससे ओवर साइज है फिर भी वो अलग हो जाता है। और इधर जो बर्नर के लिए जो LHS इस्तेमाल होता है, या डीजल इस्तेमाल हो या LDO इस्तेमाल हो, तो वो इस टैंक में रखा रहता है। और यहाँ पे बिटवीन के लिए है, और यहाँ जो बिटवीन इस के माध्यम से पंप के माध्यम से आगे जाएगा, और बिटवीन को हीट करने के लिए यहाँ पे ये HOH लगा हुआ है, इसके माध्यम से बिटवीन हीट होता है। फॉरवर्ड लाइन रिटर्न लाइन में कितना टेम्परेचर है यहाँ पे शो होता है, हीटिंग हो रहा है बिटवीन का, और बिटवीन के साथ साथ पूरी पाइप लाइन की हीटिंग होती है, इसलिए ये कंटिन्यू चलेगा। और यहाँ पे पाइप लाइन है, और यहाँ पे है बिटवीन पंप, और बिटवीन यहीं पे वेट होने के बाद यहाँ से इस पाइप लाइन के माध्यम से आगे को जाता है, और इधर से साइलो के माध्यम से लाइम पाउडर इस्तेमाल होता है। और यहाँ से आगे की तरफ चले तो यहाँ पे जो ड्रायर का है सिस्टम है, यहाँ से वर्क करता है, यहाँ से जो मटेरियल है वो गर्म किया जाता है, इसके अंदर जो आग जलती है, तो यहाँ से फुल मटेरियल गर्म होने के बाद एलिवेटर के माध्यम से ऊपर को जाता है, और यहाँ से लाइम पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लाइम पाउडर जो उसके हल्के डॉट्स को भरने के लिए होता है मटेरियल में, तो जैसे कि कंक्रीट में फ्लाई एश का यूज होता है, तो यहाँ पे उसको डालने के बाद, और यहाँ से जो आगे जो प्रोसेस है, तो ऊपर मटेरियल टॉप पे एलिवेटर से जाने के बाद जो स्क्रीन लगा है टॉप पे, टॉप से स्क्रीन के बाद स्टेप बाय स्टेप आने के बाद, जब मिक्सर पे आने के बाद सारा मटेरियल मिक्स होने के बाद यहाँ पे जो मिक्स मटेरियल है वो आता है। अभी ये जो फर्स्ट बैच है इसको ट्रायल के लिए, उसके बाद जो अब इसके बाद हाईवा लगेगा, हाईवा में लोडिंग होने के बाद तो इसको आगे जो पेवर के पास है ले चलेंगे जो ट्रायल के लिए। तो अभी जो मटेरियल है वो हाईवे में लोड हो चुका है, तो यहाँ से जो मटेरियल है ये सामने पेवर लगी है, पेवर में के माध्यम से इसकी लेइंग किया जाएगा। तो यहाँ पे पूरी टीम है जो इसको वर्क करेगी, तो यहाँ पे जो क्लाइंट सर भी हैं, और जो हमारे PM साहब भी हैं, जो सीनियर हैं, सब लोग आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल होना है और हो रहा है, और इसके बाद जो साइट पे जाएगा, तो यहाँ से यदि सब कुछ ठीक है उसके लिए फिर भी एक ट्रायल का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद जो आगे का जो प्रोसेस है वो साइट पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हाईवा से मटेरियल पेवर में आने के बाद, और यहाँ से पेवर जो आगे के चलेगा, तो यहाँ से आप देखिए जो पीछे से जो क्लियरेंस जो फिनिशिंग लाइन आएगा, तो मेन इसी को चेक किया जाता है, सब मशीनरी और जो प्लांट से जो मटेरियल है मिक्स है, सब कुछ ग्रेडेशन भी होता है, ग्रेडेशन
सब कुछ रेसिपी जो इसकी जो रेसिपी नहीं इसका जो मिक्स डिजाइन होता है वो बनने के बाद जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसको भी चेक किया जाता है कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसी के लिए जो टेस्ट प्रोसेस होता है वो होता है। और यहाँ से क्योंकि ये जो साइड पे जब हम टेस्ट करेंगे तो यदि ख़राब हो जाएगा तो उसको हम हटाने में फिर प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो या तो सर्विस रोड हो या जो लिंक रोड हो उस पर ट्रायल कर सकते हैं यहाँ, लेकिन लिंक रोड पे नहीं ट्रायल करके यहाँ पे जो प्लांट के पास जो रास्ता है उसी रास्ते पे ट्रायल किया गया। और जो मिक्स का टेम्परेचर है वो यहाँ पे जो थर्मामीटर लगा के उसे भी चेक करते हैं। तो यहाँ से जो आगे जो आप फिनिशिंग लाइन जो जो इसका फिनिशिंग है वो 0-0 आना चाहिए। जो पेवर भी चलता है तो पेवर में भी आप ऑटोमेटिक जो वायर है तो उसको भी आगे आपको हम बताते हैं वायर सेंसर किस प्रकार से इसको चलता है। तो यहाँ से जो आप अभी देखे जो लेइंग होते हुए जा रहा है तो ये अभी पेवर और अधिक चौड़ाई के साथ चल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट के लिए है तो मिनिमम जो लेंथ है चौड़ाई है उसी के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है टेम्परेचर जो इसका होगा 160 प्लस होगा मिक्स मटेरियल का। तो यहाँ से जो इसका टेम्परेचर इसलिए चेक होता है जो साइड पे होगा उसका भी टेम्परेचर चेक होता है। तो इसका टेम्परेचर जो कम नहीं होना चाहिए यहाँ से जो हम भेजेंगे वो साइड पे कितना मिलना चाहिए, जैसे कि स्लम्प का होता है कि यहाँ पे कितना होना चाहिए साइड पे कितना होना चाहिए, और सेम टू सेम यहाँ पे टेम्परेचर होता है। आप यहाँ देखिए जो पेवर का जो है सेंसर 0-0 चल रहा है वहाँ पे 0-0 शो कर रहा है। और यहाँ पे साइड में आपको दिखाएं तो यहाँ पे साइड में आपको दिखेगा ये सेंसर है जो सेंस करेगा। तो ये जो इसके ऊपर एक स्टील सी रखी हुई रॉड है ये अप होगा डाउन होगा 0-0 चलेगा, उसके अंदर जो स्विच लगा है जो ये रेड इंडिकेशन है इसी के अंदर स्विचिंग है तो वो सेंस करेगा कि कितना थिकनेस रहना है। और जैसे ही पेवर लेइंग करके आगे बढ़ता है उसके बाद रोलिंग चलता है। रोलर में जो ड्रम पे वाटर स्प्रे होता है ताकि ड्रम गर्म भी ना हो और उसमें चिपके नहीं मटेरियल, और जो मटेरियल नीचे लेइंग हो चुका है अब लेइंग होने के बाद उसमें टेम्परेचर की साथ साथ जो रोलिंग करेंगे तो उसका साथ के साथ जो पानी का रहता है उससे टेम्परेचर भी डाउन होता है, यानी वो कंपैक्शन उसका अच्छा हो जाता है और वो जो फिनिशिंग और अच्छी हो जाती है। डायरेक्ट बिना पानी इस पर स्प्रे नहीं होगा डायरेक्ट करेंगे तो ड्रम में जो इसके रोलर के वो चिपक के सब वापस आ जाएगा या जो सरफेस है वो क्लियर नहीं होगा, इसलिए इसमें वाटर होता है जो इससे सरफेस पे टॉप पे चलता है। तो इस प्रकार से जो इसका काफ़ी टेम्परेचर होता है आप जनरली ऐसे हाथों से छुएंगे तो काफ़ी जल जाएगा। और यहाँ से जो आगे आपको दिखाएं तो देखिए पेवर लास्ट हो चुकी है, सिर्फ एक गाड़ी के ट्रायल के लिए हुआ था तो एक लोड फाइनल हुआ है। और यहाँ पे सामने दिख रहे जो हमारे यहाँ राजेश चौहान सर इंचार्ज हैं और साथ में सर्वे की भी टीम है, तो यहाँ पे सर्वे की भी टीम और लेबल लगा के पूरा ये कंप्लीट हुआ है टेस्ट ट्रायल। तो आज का जो वीडियो है बस इसी टॉपिक पे था, आगे जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।